आप कीजिए कुछ, मैं बहुत परेशान हूँ। कब से दिक्कत आ रही है आपको? ये कम से कम 2 महीने से हो गए। 2 महीने से दिक्कत आ रही है। तो इसके अंदर बेसिकली देखिए होता क्या है, जैसे ये हमारी आप स्पाइन देख सकते हैं, ये स्पाइन का जो बीच वाला भाग है, तो ये सर की आप देख सकते हैं, ये रिब्स कनेक्टेड है पूरी आगे तक, और इसका पेन पूरा पेशेंट की छाती में जाता है, जिसकी वजह से पूरी छाती में जकड़न हो जाती है। कई बार लोगों को लगता है कि मुझे एंजाइना पेन आ रही है, कई बार लगता है जलन हो रही है, हार्ट बर्न है, तो इस तरह के अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो आज हम इनका ये स्टर्नम, जो ये आप बीच वाला भाग देख रहे हो, इसको खोलेंगे, क्योंकि ये आगे जाके रिब्स जो है कनेक्ट हो जाती हैं स्टर्नम के साथ। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लेटिए सर, लेटिए, सीधा लेटिए आप। सबसे पहले इनका हम स्टर्नम खोलेंगे, आपको दिखाते हैं स्टर्नम खोल के इनका। ये देखिए, ये बीच वाला भाग है इनका स्टर्नम का। तो सबसे पहले मैं आज आपको स्टर्नम रिलीज करके दिखाने जा रहा हूँ। सर एक लंबा सांस लीजिए आप, हाँ छोड़िए बाहर, हाँ फिर से एक लंबा सांस लीजिए सर, छोड़िए बाहर। अब देखिए ये स्टर्नम की डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता क्या है, पूरा यहाँ से रिब केज कनेक्टेड है, आप लोगों को पता होगा पसलियाँ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, पूरा रिब्स कनेक्टेड होती हैं। अब ये देखिए, ये इनका स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट है, इसका भी हम करेक्शन करेंगे साथ में, क्योंकि स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के आउट होने की वजह से भी पेशेंट को दिक्कत आती है। ये आपने देखा होगा ब्यूटी बोन भी बोला जाता है इसको, फीमेल्स में बड़ी प्रोमिनेंट होती है। एक बार इस तरह, हाँ, अभी एक बार भी सर आप बैठिए, जरा बैठिए सर। अभी मैंने इनकी आपको रिब्स रिलीज करके दिखाई हैं, अभी मैं इनकी रिब्स एक तरीके से और रिलीज करने जा रहा हूँ। थोड़ा मैं इनको सिटिंग पोजीशन के अंदर और मैं इनको दूंगा सर, थोड़ा सा आगे आ जाए आप, थोड़ा सा आगे, दोनों हाथ गर्दन के पीछे करें जरा, हाँ थोड़ा सा ऊपर, हाँ एक लंबा सांस लीजिए सर, हाँ छोड़िए बाहर, बहुत बढ़िया। ये मैंने पूरी खोल दी है, जो आगे की रिब सारी जकड़ी हुई थी इनकी, अभी थोड़ा इनको गर्दन का मैं करूंगा, हाँ। अब आप लेटिए जरा एक बारी, अब इनका हम लोअर बॉडी भाग का सारा खोल के दिखाते हैं आपको, थोरेसिक स्पाइन भी ओपन करूंगा, लंबर भी सारी हम खोलेंगे इनकी। तो पूरी अभी स्पाइन में आपको मैनुपुलेट करके दिखाने जा रहा हूं सर, एक लंबा सांस लें आप, छोड़ दें सर बाहर। अभी इनके दोनों PSIS भी करेक्ट करेंगे। ये मैंने रिब्स के लिए थ्रस्ट दिया, अगर आप सोच रहे हो, ये देखिए मैं रिब्स को प्रेस कर रहा हूँ नीचे की तरफ, और नीचे से इधर से हमारा ये ASIS जॉइंट होता है, इसको मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, ये इसका थ्रस्ट दिया हमने। अभी थोड़ा नेक का थ्रस्टिंग करेंगे हम लोग सर, एक लंबा सांस लीजिए, हाँ रिलैक्स कर दीजिए सर, फिर से एक लंबा सांस लीजिए सर, रिलैक्स करिए, हाँ अब आप सीधा लेटिए सर, एक बारी सीधा लेटिए एक बारी, हाँ, एक लंबा सांस लीजिए सर, हाँ छोड़िए बाहर, हाँ फिर से एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बाहर, ठीक है, ये वाला हाथ गर्दन के नीचे करें सर। अब आप दोनों टांगे सीधी करिए सर, अभी हम लोग थोड़ा सा इस तरफ का भी थ्रस्टिंग करने जा रहे हैं, और ये आपको दिखाने जा रहे हैं सारा कैसे कैसे हम लोग इसको रिलीज करेंगे पूरा, अब अगर आप सर से थोड़ा सा पूछेंगे, सर आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप, पहले आप थोड़ा उठ के चल के देखिए, थोड़ा सा बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा चलिए आप जरा, वो आपकी छाती का दर्द कैसा है, अब हल्का लग रहा है, हल्कापन आ गया छाती के अंदर, कमर में हल्कापन आया, ठीक है। अब 100 में से अगर पूछूं तो कितने परसेंट आराम है आपको? 60% के आसपास आराम आ गया है, 100 में से 60% आराम महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप अब करनाल प्लस के ऊपर दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, और हम लोग करनाल प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच।